हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जहां हम बात करेंगे मेल रॉबिन्स की बुक द 5 सेकंड रूल के बारे में। जिस बुक के 5 सेकंड रूल से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने काम में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि वो अपना सारा टाइम सोचने में ही बिता देते हैं और सही डिसीजन ले नहीं पाते, और कई बार तो बहाना भी बनाते और सोचते हैं कि कहीं से हमें मोटिवेशन मिलेगा तब जाकर हम उस काम को करेंगे। लेकिन ऑथर इस बुक में बताते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक झूठ है जो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, क्योंकि जिस काम को हम शुरू करना चाहते हैं हमें उसी वक्त कर देना चाहिए, ना कि हमें अच्छे टाइम का और अच्छे मूड का वेट करना चाहिए। क्योंकि ऑथर कहते हैं चाहे आपका सिर दर्द क्यों ना हो, फिर भी आपको थोड़ा सा ही सही पर शुरू कर देना चाहिए। इसी बात को ऑथर ने इस बुक में अलग अलग पॉइंट से समझाया है, इसलिए ऑथर ने इस बुक का नाम द 5 सेकंड रूल रखा है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हाउ टू यूज़ द रूल, मतलब कि हमें अपना रूल कैसे बनाना चाहिए और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जैसे अगर आपके मन में कोई काम करने का विचार आता है तो आप सोचते हैं कैसे करें, लेकिन इसके लिए ऑथर ने रूल दिया है। आप 5 से उल्टे में गिनती शुरू कर सकते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, तो आप इस तरह से 5 सेकंड रूल को अप्लाई कर सकते हो, जिसे आप अपने वर्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में यूज कर सकते हो। जैसे आपको किसी को जॉब के लिए कॉल करना है, तब आप सोचते हो कि करूँ या ना करूँ, लेकिन आपको ये करने से पहले आपको यह 5 सेकंड रूल अप्लाई कर देना है। या फिर आप अपने आप से सवाल पूछ सकते आखिर कर भी लिया तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसे उल्टी गिनती करने का फॉर्मूला अपना सकते हैं, तो आपको इससे किसी भी काम में कोई भी एक्शन लेने के लिए आसानी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं ये रूल कैसे काम करता है। इसके बारे में महान साइकोलॉजिस्ट सिग्जेंट माइले बताते हैं कि हम जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलें होती है, क्योंकि हमें नए काम शुरू करने से पहले एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सर्दियों में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इंजन को गर्म करनी पड़ती है, और उसी तरह इंसान को भी काम करने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों ऑथर ने इस 5 सेकंड रूल को हमारे माइंड को एक्टिव करने के लिए बताया है, क्योंकि जब हम कोई उल्टी गिनती गिनते हैं तो तब दिमाग को लगता है कि अब कोई काम शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद उसे रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब अगला पॉइंट है हम अपनी बुरी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अपनी बुरी आदत छोड़नी है तो इसके लिए आपको एक नई आदत अपनानी होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी आदत 3 स्टेज से लगती है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड, जिसे आप हमारे लिंक में दिए हुए बुक समरी से समझ सकते हैं आखिर ये तीनों कैसे काम करती है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। जैसे अगर आपका कोई नशा करने का मन कर रहा है तो इसकी जगह आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर दीजिए, ये आपका क्यू बन जाएगा, और फिर इसके बाद एकदम से उठकर लगातार गिनती करते रहिए, ये आपका रूटीन बन जाएगा, और फिर इसके बाद अपने आप को शाबाशी दे और फिर कहे कि नशा छोड़कर मेरी हेल्थ सही हो रही है, तो ये आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। तो आप इस तरह से दोस्तों अपनी बुरी आदत छोड़ सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप फिर से उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उनके बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने आपकी पास्ट में मदद की है, इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अब आता है दोस्तों करेज, क्योंकि दोस्तों लाइफ में हमें बहुत बार हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, कहीं पे इंटरव्यू देने जाना हो, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी हम उल्टी गिनती का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इस फॉर्मूले को एक्सरसाइज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है तो आप उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा, क्योंकि सीखी हुई चीज़ कभी भी बेकार नहीं जाती, और फिर भी ये बात तो हेल्थ की है, इसे आप कैसे भूल सकते हो। तो आप इस तरह से इस 5 सेकंड फॉर्मूले को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चाहे आप किसी अनजान से बात करना चाहते हो, या कोई स्किल सीखना चाहते हो, या फिर किसी को सॉरी कहना चाहते हो, या फिर किसी के साथ डांस करना चाहते हो, आप हर जगह इसे यूज कर सकते हो। आइए अब जानते हैं काम को टालना क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए कब टालना चाहिए कब नहीं, और कई बार काम को टालना क्यों जरूरी हो जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में और इनके प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। तो दोस्तों पहले हम प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं, आखिर कई बार कामों को टालना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग क्रिएटिव कामों में होते हैं, वो कोई क्रिएटिव प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जिससे उन्हें उस काम को टालना फ़ायदेमंद होता है। जैसे कुछ लेखक नॉवेल लिखते हैं तो धीरे धीरे लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें अपने काम में क्वालिटी चाहिए, तो इसलिए उन्हें टालना कभी फ़ायदेमंद भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर क्रिएटिव लोग किसी काम को टालते हैं तो उनके पास उसके बारे में सोचने का समय होता है, जिससे वो उस क्रिएटिव काम की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग छोटे छोटे कामों को टाल देते हैं,
जैसे घर के छोटे छोटे काम करना, कोई पढ़ाई करना। अगर आप इस तरह से सभी चीज़ों को टालेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि इससे उल्टा आपके काम करने की क्वालिटी और भी ख़राब हो जाएगी। तो अब बात आती है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले और इसमें हम 5 सेकंड रूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप बिस्तर में लेटे हुए हो और आपके माइंड में बिजनेस करने की सोच चल रही है, तो उसे सोचते मत रहिए, बस सिर्फ 5 सेकंड उल्टी गिनती कीजिए और फिर अपने काम के लिए एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए। और जैसे अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो और अपने फ़ोन में टाइम पास कर रहे हो, तो सबसे पहले उठिए और 5 सेकंड रूल को अप्लाई करिए और फिर उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके अपने काम में लग जाइए। इससे आप किसी भी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर पाएंगे। इस तरह अगर रात को आप टीवी या नेटफ्लिक्स में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो फिर से 5 सेकंड का रूल अप्लाई कर दो और उसके बाद टीवी को बंद कर दो और फिर जाकर गहरी नींद में सो जाइए। इससे आपको किसी भी काम को टालने से छुटकारा मिल जाएगा, चाहे वो पर्सनल वर्क हो चाहे प्रोफेशनल हो, इससे आपको फायदा ही होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाउ कैन वी चेंज अवर बिहेवियर विद द 5 सेकंड रूल, मतलब कि कैसे हम 5 सेकंड रूल को यूज करके नेगेटिव बिहेवियर को बदल सकते हैं। सबसे पहले तो दूसरों की निंदा करना बंद कर दो, क्योंकि आप जितना दूसरों की निंदा करेंगे आपकी आदत वैसी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले 5 सेकंड उल्टी गिनती करना शुरू कीजिए और इसकी जगह आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, किसी भी बुरे व्यक्ति में कुछ अच्छा भी होता है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप जल्दी से अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, जिससे आप टीचर की नज़र में अच्छे कहलाओगे। तो ऐसे आप अपना बिहेवियर बदल सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप कोई सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते हो, तो आप इस 5 मिनट फॉर्मूले से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। कई साल पहले ऑथर मेल रॉबिन अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो हर दिन सोचती थी कि वो अपने आप को बदल देंगी। लेट सोते रहने के बजाय वो सुबह जल्दी उठेंगी, लेकिन जब भी अलार्म बजता वो स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाती। वह सोचती तो थी कि मैं फिट रहूं, एक्सरसाइज करूं, लेकिन उनकी शराब पीने की आदत उनसे नहीं छूट रही थी, जिसकी वजह से वो काफी आउट ऑफ शेप हो गई थी। उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी। उनके पति के रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी लॉस में जा रहा था। सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था, इसलिए वो ऐसी जिंदगी से थक चुकी थी। एक रात अचानक उन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनको टीवी पर प्रोग्राम देखने से एक ऐसी ट्रिक मिल गई जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। अब दूसरे दिन उन्होंने हर बार की तरह अलार्म बंद नहीं किया, बल्कि वो पहली बार ही उठ गई। इसके बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज पहने सुबह रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फिर अपनी शराब की आदत को सेम ट्रिक की मदद से खत्म किया। कुछ महीनों में अपने अंदर कई ऐसे चेंजेस लाए जिसके रिजल्ट में उन्हें एक बहुत बड़ी जॉब मिली, CNN चैनल पर एक टीवी कमेंटेटर की। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने और उनके पति ने अपने सारे कर्जे खत्म कर दिए, अपने रेस्टोरेंट का बिजनेस बचा लिया। लेकिन बस इतना ही नहीं था, उसके बाद वो काफी रिच और फेमस भी हो गई। उन्होंने अपनी बुक लिखी, उस बुक का उन्होंने नाम रखा द 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो ट्रिक उन्हें मिली थी वो 5 सेकंड रूल ही था। और आज इस वीडियो में हम उसी 5 सेकंड रूल के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे बस एक ट्रिक की वजह से जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई की, आज उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज हम उनकी लिखी हुई द 5 सेकंड रूल बुक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या था वो 5 सेकंड रूल और हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, द रूल ऑफ 5 सेकंड। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ऐसी वो क्या ट्रिक थी जिसने 5 सेकंड के अंदर मेल रॉबिन्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया और जिंदगी की हर जगह पर सफलता देना शुरू कर दिया। उस दिन जब मेल रॉबिन्स टीवी देख रही थी, तो वो नासा का प्रोग्राम देख रही थी जिसमें एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था। इसे देखकर ही उन्हें आइडिया आया। आइडिया ये था कि कैसे जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उल्टी गिनती शुरू की जाती है, 5, 4, 3, 2, 1। बस जब काउंटडाउन 1 पर पहुंचता है तो फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। चाहे फिर रॉकेट फेल हो जाए या फिर वो स्पेस में चला जाए,
एक होने पर रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। यही सेम आइडिया रॉबिन ने अपनी लाइफ पर भी अप्लाई किया। उन्होंने रॉकेट के बजाय ये सारी चीजें अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, जब अगले दिन अलार्म बजा तो उनका उठने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसी आइडिया को याद किया, फिर काउंटडाउन करना शुरू किया, बस फिर वो उठ गई। इसके बाद जब उनका रनिंग में जाने का दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने फिर से यही ट्रिक यूज की, अपने दिमाग में काउंटडाउन चलाया, फिर तुरंत शूज पहन लिए, फिर से काउंटडाउन करके बिना कुछ सोचे वो निकल गई। ऐसे ही जितनी भी बार उनका काम करने का दिल नहीं करता था तो बस वो ये सिंपल सी ट्रिक को यूज करती थी। ये 5 सेकंड रूल को यूज करके उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाना शुरू किया। हम सब ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम सब लोग अच्छे रिलेशनशिप भी चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते। हम भी ऑथर की तरह अलार्म बजते ही स्नूज बटन दबा देते हैं, लेकिन अगर इसको बदलना है तो आपको 5 सेकंड रूल का यूज करना होगा और इसको अपनी जिंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये हम आगे आने वाले पॉइंट्स में समझेंगे। तो चलिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, द ग्रेटेस्ट हैबिट। हैबिट्स कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपको पता ही होगा। ये डिसाइड कर सकती है कि आपकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। आपकी आदतें आपको बना भी सकती है और आपकी पूरी जिंदगी को बिगाड़ भी सकती है। हमेशा ये बात याद रखना कि आपकी जो भी आदत बनती है वो 3 स्टेप्स में बनती है। नंबर 1 ट्रिगर, नंबर 2 रूटीन और नंबर 3 रिवॉर्ड। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपको आपका एक दोस्त हर रोज मिलता है जिसके साथ आप हमेशा सिगरेट पीते हैं, तो आपके लिए उस दोस्त का कभी भी आपको मिलना एक ट्रिगर की तरह काम करता है जिसकी वजह से आपको सिगरेट पीने की याद आती है। फिर आप दोनों मिलकर एक दुकान पर जाते हो, वहां से सिगरेट लेते हो और फिर सिगरेट पीते हो। ये आपका एक रूटीन बन जाता है। और नंबर 3 रिवॉर्ड, अब आप जब सिगरेट पीते हो तो इससे आपको निकोटीन मिलता है, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड होता है। ये एक पूरी साइकिल है जिसकी वजह से आपकी एक आदत बन जाती है जिससे कि आपको उस आदत की लत लग जाती है। ठीक इसी तरह से हर आदत बनती है, अच्छी या बुरी, हर आदत इसी तरह से बनती है। अब इसको 5 सेकंड रूल से जोड़ कर देखिए। जब भी आप 5, 4, 3, 2, 1 ये बोलते हैं तो इसकी वजह से आपके दिमाग में एक ट्रिगर शुरू होगा, क्योंकि आपको ये पता है और आपके दिमाग को भी ये पता है कि एक पर कुछ ना कुछ तो होगा जो कि यूनिवर्सल है। जब आप काउंटडाउन के बाद कोई भी एक्शन लेते हो, वो कोई भी एक्शन हो सकता है, छोटे से छोटा एक्शन, इस एक्शन लेने की वजह से आपके ब्रेन को लगता है कि काउंटडाउन के बाद एक्शन लेना आपका एक रूटीन है। और लास्ट में जब आप एक्शन ले लेते हैं तब आपको लगता है कि आप अपने कंट्रोल में हैं, और ये काम करता है रिवॉर्ड का। जैसे ही आपको रिवॉर्ड मिलता है वैसे ही आपको अच्छा फील होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एक पूरी अच्छी हैबिट को बना सकते हो। नंबर 3, लोकस ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो जूलिया रॉटर ने 1945 में निकाला था। इसे वो बोलती हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, जो यह समझाता है कि जितना ज्यादा आप यह बिलीव करेंगे कि आपकी लाइफ और आपके एक्शन आपके कंट्रोल में है, उतना ही ज्यादा आप अपने एक्शन को और अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपनी जिंदगी में खुश रह पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल भी बनेंगे। तो जब भी आप 5 to 1 काउंट करेंगे तो उसके बाद एक चीज फिक्स कर लीजिए कि एक पर आप उठेंगे और कोई छोटा सा एक्शन लेंगे, वो कोई छोटा सा एक्शन हो सकता है जो कोई अच्छी आदत बनाने में आपको मदद कर सके। धीरे धीरे ये चीज आपकी रूटीन बनती जाएगी। ये चीज करने की वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने कंट्रोल में हैं, आप अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, मतलब चीजें अपने आप नहीं आपके डिसीजन की वजह से बदल रही है। ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी अच्छी आदत को बनाने का। ऑथर यहाँ पर यह भी कहती है कि अगर आपको अपनी किसी बुरी आदत को खत्म करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है अपनी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस कर दो, जो आप 5 सेकंड रूल की मदद से बहुत अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मेल रॉबिन्स का मन एक्सरसाइज करने का नहीं करता था तो वो काउंटडाउन शुरू करती थी, फिर
शूज पहनकर हल्के रनिंग के लिए निकल जाती थी, मतलब एक छोटा एक्शन लेती थी जिसकी वजह से उनको एक ट्रिगर मिल जाता था, एक रूटीन मिल जाता था और उसके बाद रनिंग की वजह से उनको अच्छा फील होता था और इसकी वजह से उनको एक रिवॉर्ड भी मिल जाता था और इसी चीज ने उनकी लाइफ को बदलने में उनकी मदद की। पॉइंट नंबर 4, इनर विजडम। जब भी आप एक गोल सेट करते हो वो एक फिक्स गोल होना चाहिए, तो आपके दिमाग में चीजों की एक लिस्ट खुल जाती है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आपके दिमाग में ये चीजें आने लगती है। इसके बाद से जब भी आप अपने गोल के काम के नजदीक आते हो तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है, पहले ये करो, नहीं नहीं पहले ये चीज करो, पहले ये करना सही रहेगा। अगर आपने सोचा है कि आपको फिट होना है तो जब भी आप किसी जिम के पास जाओगे, किसी बॉडी बिल्डर को वर्कआउट करते हुए देखोगे तो आपके दिमाग का एक हिस्सा जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो बोलेगा कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए। यही आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होती है, आपकी इनर विजडम, जिसे आपको हमेशा गौर से सुनना चाहिए। जब भी आपकी इनर विजडम आपको कोई अच्छी चीज करने के लिए बोल रही है लेकिन आपका मन उसको करने का नहीं कर रहा है, तो काउंटडाउन शुरू कर दीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, और कोई छोटा एक्शन लीजिए उस डायरेक्शन में। उदाहरण के लिए, जब आप ऐसे ही मोबाइल में बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हो तो बहुत बार आपकी इनर विजडम ये बोलेगी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब आपको उठ जाना चाहिए, अब आपको काम करना चाहिए। हो सकता है आपका मन ना करे लेकिन तुरंत काउंटडाउन शुरू कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, और कोई छोटा सा एक्शन लीजिए। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपकी आदत बहुत स्ट्रांग बनती जाएगी और आप काउंटडाउन के बाद बड़े बड़े एक्शन भी लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम्स गिनाना स्टार्ट कर देगा। ये सब होगा एक इफेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हो, जैसे ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको रियलाइज होगा, वैसे ही अगर आपने काउंटडाउन करके एक्शन ले लिया तो आप अच्छा फील करोगे। लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ दिनों के बाद आपका ब्रेन आपको रियलाइज करवाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। इस वजह से वो स्पॉटलाइट डालने की कोशिश करेगा कि आपका गोल ये है और आप ये गलती कर रहे हो, तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आप काउंटडाउन कर रहे हो तो कोई छोटा ही एक्शन लेना शुरू करो, धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी। यह सब होगा एक इफेक्ट की वजह से, जिसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। तो चलिए अब समझते हैं कि स्पॉटलाइट इफेक्ट है क्या चीज। नंबर 5, स्पॉटलाइट इफेक्ट। कुछ लड़कों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें उन्हें एक एम्बैरेसिंग सी टी-शर्ट पहनाई गई, फिर उन्हें एक रूम में चलने को बोला गया जहां पर बहुत सारे लोग थे। जब उस रूम में चलने के बाद लड़कों से पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने तुम्हारी एम्बैरेसिंग सी टी-शर्ट को नोटिस किया होगा, तब इस पर ऑन एवरेज लड़कों ने कहा, एटलीस्ट 50% लोगों ने तो किया ही होगा, जबकि एक्चुअल में 20 या उससे भी कम लोगों ने उस चीज को नोटिस किया था कि उनकी टी-शर्ट कितनी खराब है। ऑथर बोलती है कि उन 20% लोगों को भी शायद ही कोई फर्क पड़ा होगा इस बात से कि लड़कों ने कैसी अजीब सी टी-शर्ट पहनी है, क्योंकि हर इंसान अपने ही बारे में ज्यादा सोचता है। अब इस बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए जो ऑथर यहाँ पर समझा रही है। हर इंसान अपने बारे में ज्यादा सोचता है, ना कि दूसरों के बारे में। इसी तरह से जब आपको पता होगा कि आपने एक महंगा कपड़ा पहना है तो भी आपको ये लगेगा कि लोग आपके महंगे कपड़ों को नोटिस कर रहे हैं, और जब आपको ये पता होगा कि आपने बुरे कपड़े पहने हैं तो भी आपको यही लगेगा कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जितना ज्यादा आप सोच रहे हो लोग उतना ज्यादा आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी चीज हो या वो बुरी चीज हो। बहुत कम लोग इतने ध्यान से लोगों को नोटिस कर पाते हैं। ऑथर यहाँ पर कहती है कि हमारे एक्शन ना लेने के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहले हमारा खुद का दिमाग, दूसरा हमारा सक्सेस, या जिसको हम बोल सकते हैं एक छोटी सी सक्सेस मिलने के बाद वो कम्फर्ट जोन जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, और तीसरा है डर। अब यहाँ पर हम ब्रेन पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6, 2 मोड्स ऑफ ब्रेन। एकदम सिंपल टर्म में आपको इस चीज को समझना है। ऑथर बोलती है कि हमारे ब्रेन में 2 मोड होते हैं। पहला ऑटो पायलट मोड। इसको इस तरह से समझिए, बिना रास्ते को सोचे या याद करते हुए हम अपने घर तक पहुंच जाते हैं। फिर घर आकर हम ये रियलाइज करते हैं, अरे यार
मैं कब यहाँ तक पहुँच गया पता ही नहीं चला। दूसरा, डायरेक्टेड थॉट्स। एक इंसान जब भी रेस्ट कर रहा होता है तो वो यूजुअली ऑटो पायलट मोड पर होता है। जब भी उसे कोई एक्शन लेना होता है तब उसे अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना पड़ता है, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करना पड़ता है। जैसे कि ऑटो पायलट मोड में आपको अपने घर का रास्ता याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी नए रास्ते पर जाओगे तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। या फिर आप पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस समय कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाने की जरूरत है। और ये चीज एक्टिव होकर काम करना मैक्सिमम टाइम हमारे ब्रेन को पसंद नहीं आता। अगर आप अपने आप से पूछो कि आपको अपनी जिंदगी कैसे चेंज करनी है तो इस चीज का आंसर आपके पास होगा। आपको ये एक्शन लेने चाहिए, आपको इस तरह से फिट रहना चाहिए, आपकी ये गलतियां हैं। लेकिन जब आपको सब कुछ पता है तो आप उस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है। आपका ब्रेन नहीं चाहता कि आप ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलकर एक्टिवली कोई चीज सोचो या कोई काम करो, क्योंकि ब्रेन को ये चीज पसंद नहीं है। उसको ऑटो पायलट मोड में काम करना पसंद है और इसीलिए वो आपको काम ना करने के एक्सक्यूजेस देता है। वर्कआउट मत करो क्योंकि आज तुमने बहुत काम किया है, तुम थक चुके हो। अपने गोल्स पर काम मत करो, क्या फायदा? एक बार फेल हो गए फिर यही होगा, फिर तुम सेट हो जाओगे, फिर आप सोशल मीडिया पर जाओगे, आप अलग अलग चीजें देखोगे जहां पर आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि हो सकता है ये चीज आसान हो सकता है ये चीज आसान हो। और इस तरह से जो चीज आपको एक्टिवली करनी चाहिए उस चीज में आप ऑटो पायलट मोड में चले जाओगे। इसीलिए मेल रॉबिन्स यानी कि ऑथर 5 सेकंड रूल को इतना ज्यादा पावरफुल मानती है, क्योंकि अगर आपने एक बार ये हैबिट डेवलप कर ली, अगर आपने एक बार 5 सेकंड काउंटडाउन का सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, आपको इस 5 सेकंड काउंटडाउन को ऐसे ट्रिगर यूज करना होगा और अभी छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके एक्शन बढ़ते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे और धीरे धीरे आपके रिजल्ट भी बड़े होते जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, न्यूरो प्लास्टिसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्रेन कितनी उम्र तक बढ़ता है तो आप बोलोगे कि शायद 18 साल तक, 25 साल तक। कुछ सालों पहले तक लोगों को यही लगता था, हमारा ब्रेन सिर्फ 25 सालों तक ही बढ़ता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सच है? एक प्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर बढ़ता रहता है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो आप जिंदगी भर अपने ब्रेन की प्लास्टिसिटी कर सकते हो, मतलब जिंदगी भर कोई नई चीज सीख सकते हो, जिंदगी भर अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो। इसलिए आप किसी भी एज में कोई भी नई चीज सीख सकते हो। हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आपका ब्रेन चेंज हो सकता है। बस दिक्कत की बात यह है कि आपके ब्रेन ने एक ऐसा पैटर्न बना लिया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि उम्र ज्यादा बढ़ने की वजह से आप नई चीजें नहीं सीख सकते। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा उम्र है और जो अपनी उम्र के मुकाबले बहुत ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पर ऑथर फिर से 5 सेकंड रूल के बारे में कहती है, जब आप 5 सेकंड रूल का यूज करेंगे तो ये आपके दिमाग में जो पैटर्न्स है उनको बदलने में आपकी मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब अपने हाथ रेत पर दबाता है तो उसके हाथ के निशान छप जाते हैं, वैसे ही जब आप इस रूल को अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में इसके प्रिंट बनते रहेंगे जिसमें योर नंबर्स का काउंटडाउन सीधा लिंक हो जाएगा आपके एक्शन लेने से। अगली बार फ्यूचर में जब भी आप काउंटडाउन करोगे आपके दिमाग को लगेगा कि इसके बाद तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके दिमाग का एक पैटर्न बन चुका होगा। अब बात करते हैं एक कंक्लूजन के बारे में कि इससे आप क्या क्या टिप्स ले सकते हो। नंबर 1, जब भी आप गोल सेट करते हो तो अपनी इनर विजडम को सुनो, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में जो बदलाव लाने हैं, आपको जो एक्शन लेने हैं, आपको कैसे अपना गोल अचीव करना है, वो सब कुछ आपको पता है। बस दिक्कत की बात यह है कि आप उन चीजों को कर नहीं रहे हो और इसी जगह पर आपको काउंटडाउन का यूज करना है। हो सकता है आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि काउंटडाउन करो और काम करने बैठ जाओ। आपका क्या गोल है? मान लीजिए आपका गोल है कि आपको फिट बनना है, आपको बॉडी बनानी है, आपको वर्कआउट करना है, तो अभी एक काम कीजिए, काउंटडाउन करिए और जो छोटा सा गोल आप सोच सकते हैं अपने आप को फिट बनाने के लिए, आपको वो अभी करना होगा। उल्टी गिनती कीजिए, 5 4 3
टू वन और इसके बाद 5 पुशअप्स मारिए। आपको 5 पुशअप्स मारनी है। कुछ दिनों तक ऐसा कीजिए, फिर इसको 10 पे ले जाइए। धीरे धीरे आप देखोगे कि जैसे ही आप 1 बोलते हो, आपके दिमाग को ये लगने लगेगा कि अब तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने काउंट डाउन कर दिया है। और इसकी वजह से आपको हर फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज आप पढ़ाई में, बिजनेस में, वर्कआउट में, कहीं भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपनी बुरी आदतों को खत्म कर सकते हो। याद रखिए, बुरी आदतों को खत्म करने की कोशिश मत करो, कोशिश ये करो कि आप उनको रिप्लेस कर दो 5 सेकंड रूल की मदद से। हाँ, आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि कभी कभी आप ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कैसा फील करोगे, लेकिन याद रखना आप ये चीज कंट्रोल कर सकते हो कि आप कैसे एक्शन लोगे। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि अपनी फीलिंग्स को चेंज करने की नहीं, अपने एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करिए। ये भी याद रखिए कि आप कभी रेडी नहीं हो सकते, इसलिए रेडी होने का इंतजार मत कीजिए कि न्यू ईयर पे मैं ये काम शुरू करूंगा, एक हफ्ते के बाद मैं ये काम शुरू करूंगा। आज से ही, अभी से ही एक्शन लेना शुरू कीजिए, तभी आप काम कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। मैंने ये सारी चीजें द 5 सेकंड रूल बुक से सीखी। अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपने इस बुक को पढ़ा है, तो मुझे भी कमेंट में बताइए अगर मैं कुछ भूल गया हूँ। और याद रखिए, ये सिर्फ एक समरी है और ये वो चीजें हैं जो मैंने समझी है। अगर आपको बुक से समझना है तो आपको बुक पढ़नी होगी, इसलिए बुक पढ़िए और फिर मुझे भी बताइए कि आपने क्या सीखा। आज के लिए बस इतना ही। Thank for watching.